अपार्टमेंट के नीचे ऑटो का वेट कर रही हूँ। पांचों बार देखी, अपॉइंटमेंट मिला है नेल्स का। अभी खबर क्या है, बोल रहे कि शाम को 6 बजे आएगा। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्या है, आज बहुत खास दिन है। तो दोस्तों, आज है शाहरुख खान का बर्थडे। हैप्पी 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 बर्थडे शाहरुख खान। आई मीन, कोई एनी डे जस्ट यू नो यू क्रॉस माय ब्लॉग, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई डोंट विश यू। सो यस, हैप्पी बर्थडे। और वैसे तो विश मैंने रात को 12 बजे भी कर दिया था, 1 बजे भी कर दिया था, लेकिन फिर से कर रही हूँ। एंड आज शाम का मेरा टिकट बुक हो गया है, तो मैं शाम को देखने जाऊंगी। आई मीन, बड़े स्क्रीन पे वॉचिंग ऑल द सीन, जिस मूवी को मैं टीवी में 100 से ज़्यादा बार देख चुकी हूँ, आई कैन बेट ऑन इट। बिकॉज जब भी मैं चैनल चेंज करती हूँ, इफ़ आई सी द DDLG मूवी, आई स्टिक टू इट। लेकिन वो मेरा उससे आगे बढ़ता नहीं है। सो यू नो ऑल दो सीन्स, जो ऐसे कजल उठती है, एंड शाहरुख खान का जो फुटबॉल वाला सीन है, एंड वो जो फ्लावर देने का सीन है जहाँ पे ऐसे पानी निकल जाता है, पानी से हो जाता है कजल के फेस पे, एंड दैट सॉन्ग, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, ओ गॉड, लाइक जा सिमरन जा, बट कैन यू बीट इट। ये सारी चीज़ मैं बड़े स्क्रीन पे देखूंगी। एंड फ्रेंड्स, मुझे पता है मैं बहुत पका रही हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू ऑल। एंड अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वर्कआउट के साथ साथ क्या खाते हो, क्या पीते हो, दीज थिंग्स। तो अभी चलते हैं, मैं सोच रही हूँ ओट्स बनाती हूँ, दैट इज़ द बेस्ट एंड हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट जो मैं सोच सकती हूँ। सो यस, लेट्स गो एंड मेक इट। तो फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है अपने लिए मसाला ओट्स, जो कि है बहुत हेल्दी भी एंड टेस्टी भी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे दूध वाला ओट्स से कई ज़्यादा अच्छा मसाला ओट्स लगता है। अगर आप मीठा पसंद करते हो तो आप दूध वाला ओट्स ले सकते हो, बट मसाला ओट्स इज़ बेस्ट। एंड मैं एक और ट्रिक यूज़ करती हूँ, और वो ये है कि मेरे पास मैगी मसाला का वो जो छोटे छोटे सैचे होता है ना, क्या बोलते हैं, पैकेट छोटा छोटा, वो है मैजिक मसाला, मसाला का ही। तो उसको मैं किसी भी खाने में यूज़ करती हूँ, बहुत यमी हो जाता है वो, मसाला का टच दे देता है। तो यस, मेरा यहाँ पे चाय भी है, तो अब चलते हैं, खाते हैं, फिर थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे कभी मेरे घर में पावर कट नहीं होता है, कभी नहीं, मुझे याद ही नहीं है, गया भी होगा तो हार्डली 5-10 मिनट्स में आ जाता है। आज अभी आई थिंक 2 घंटे से पावर गया है, एंड बोल रहे कि शाम को 6 बजे आएगा। और मुझे बाहर जाने के टाइम सूट पहनना था, मैंने सूट आयरन भी नहीं किया इस चक्कर में कि मैं जाने से पहले करूँगी, एंड ऐसा हो गया। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। मतलब कुछ ऐसा, जब खास दिन होता है तभी कुछ ऐसे होता है, अब कुछ नहीं, जीन्स टी शर्ट पहनूंगी, निकलूंगी। मेन मुद्दा तो DDLJ देखने का है ना। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, मैंने कुर्ता पहना है एंड उस पर ये जीन्स जैकेट पहना है, क्योंकि मुझे मूवी हॉल में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एंड मैंने एक मेकअप का इतना इजी हैक ढूंढा है ना, मैं आपको एक वीडियो बना के उसको पोस्ट करूँगी, या तो शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, सच ए ईजी वे। क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम द लीस्ट पर्सन जो मेकअप करती होगी, लेकिन मुझे ये टेक्निक इतना अच्छा लगा। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले इसका हेली बीबर का मैंने देखा मेकअप रूटीन, तो वो उसमें जो हेली ने बताया था जो ट्रिक्स, इट्स रियली गुड। तो मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी वो फिर कभी। अभी फटाफट निकलते हैं, मुझे पहले नेल्स के यहाँ जाना है, बिकॉज मेरा नेल्स ऐसे निकल रहा है, पता नहीं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो पहले वहां चलते हैं, फिर वहां से चलते हैं मॉल जहाँ PVR है मूवी देखने के लिए। सो लेट्स गो। 1000 years later। तो फ्रेंड्स, मैंने चेंज कर लिया है, मैं कुछ नहीं तो कम से कम 6 कपड़ा चेंज कर चुकी हूँ अभी, बट ये फाइनल है, अब इसको चेंज नहीं करने जा रही हूँ, अब मैं निकल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ, अब मैं सच में निकल रही हूँ। मैं आ गई हूँ अपने अपार्टमेंट के नीचे, ऑटो का वेट कर रही हूँ, जैसे ही ऑटो आएगा अभी तुरंत निकलते हैं यार, फिर सबसे पहले नेल्स बनवाना है मेरे को। आरुषि इधर तो देखो, हाय। मुझे कल का अपॉइंटमेंट मिला है नेल्स का, अभी मैं उसमें जा रही हूँ चाय पीने के लिए।
यहाँ तक आके चाय नहीं पी तो फिर कैसे होगा। चाय पियूंगी फिर निकलूंगी मॉल के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ पे मैयाज में खाने के लिए। इट्स अ वेरी फेमस इट्स अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन जयनगर। तो आई एम हैविंग द बच्ची, तो मैं खाती हूँ। मैं खा पी के निकल गई हूँ। जैसे आपने देखा था कि मैं मैयाज में खा रही थी और इट्स एक्चुअली वेरी डिसेंट फूड वहाँ पे। सबसे बेस्ट बात है कि आप हैंड आउट करके खा सकते हो, पी सकते हो, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और मैंने बैंगलोर बच्ची लिया एंड कॉफ़ी लिया, तो मेरे को दोनों मिलके 80 rupees लगा। तो अब मैं जा रही हूँ मॉल फाइनली मूवी देखने के लिए। मेरा स्टडी का शो है, सो यस आई बी देयर बाय टाइम बिफोर टाइम। एक्चुअली आई थिंक 5:09 तक मैं पहुँच जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ मॉल में। जैसे ही मैं मॉल में आई तो इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा था, ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स चल रहा था। मैं मुझे मिल गया मैच एंड यस इंडिया वन। एंड फाइनली आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं हूँ PVR में मूवी देखने आई हूँ। आधा घंटा पहले पहुँच गई हूँ फॉर द रिकॉर्ड। आई एम सो एक्साइटेड। आई मीन आप कभी सोच सकते हो, मैं तो कभी नहीं सोची थी कि वाओ लुक एट दिस लाइट्स। मैं कभी नहीं सोची थी कि यू नो I'll watch DDLJ in the hall. So this is more than a excitement, it's a emotion for me, emotions for me. So yes, abhi chalte hain andar. Don't wait up, I've been working hard every day, living dreams for a pay stub. Yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up, coming from the nation, made a foundation, true stuff, yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams, everything is ahead of us. Stay true to your path, it's not where you start, it's all where you're at. It's where you end up when your back's to the mat. Do you crippled or flat or get up off your back? मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे। मैं अंदर जाने वाली थी लेकिन उन्होंने कहा कि 15 minutes पहले जाने के लिए, so now it's like 6:10. तो अभी मैं 5 minutes wait करूँगी फिर मैं जाऊँगी अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आ गई PVR के अंदर। एंड आपको एक बात पता है, सब कपल आए हैं, सब, मैं ही अकेली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बाहर आ गई मूवी देख के और आप मेरे पीछे देख सकते हो मॉल। एंड मूवी वॉज, खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है, DDLJ मूवी था तो ऑसम तो होगा ही। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज क्राउड वॉज इंजॉइंग लाइक एनीथिंग। मैंने रिकॉर्ड किया है लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियस रीज़न कॉपीराइट लग जाएगा। लाइक इट वॉज ऑसम। तो फ्रेंड्स मैं टीवी में इस मूवी को कम से कम 500 बार देखी होगी लेकिन उसको हॉल में देखने में बहुत 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 मज़ा आया। तो यस, शाहरुख खान का बर्थडे DDLJ देख के मेरा कटा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए, तो मैं मिलूंगी आपको घर जाके।